Hello students, I am Professor Nita Fulchunda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. Higher Secondary Board यानी कि English Question Bank जो हमने class 12 2022 का start किया है. So इसमें देखिए बच्चों की question number 5A मैंने already पढ़ाकर upload कर दिया है. आप नीचे playlist में link check करो और ऊपर I button पे भी आपको मिल जाएगा. अभी हम लर्न करेंगे क्वेश्चन नंबर 5B नोवेल जो है टू सर्व विद लव 4.2. सो 4 मार्क्स आपने अचीव करने हैं. सो इसके लिए देखिए बच्चों जितने भी क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में आए हैं सारे मैंने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं. सो वन बाय वन आज के इस सेशन में हम सारे क्वेश्चंस ले लेंगे. क्वेश्चन नंबर 5B आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो 4 मार्क्स के लिए, यानी कि 2 मार्क्स ईच, ऐसे दो क्वेश्चंस रहेंगे. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या आया है आपके इंग्लिश के इस क्वेश्चन बैंक में, दैट इज हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल हाइलाइट्स द कंडक्ट ऑफ ब्रेडवेट्स क्लास जस्टिफाई, यानी कि जो हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रेजेंट किया था ठीक है स्टूडेंट काउंसिल ने, ब्रेडवेट्स जो टीचर है, सो इनसे रिलेटेड ये पूरा नॉवल है. इसको भी मैंने पढ़ाकर अपलोड किया है, वो भी आप चेक कर लेना. सो आपको जस्टिफाई करना है. सो देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आंसर दिया है. आंसर इस तरह से लिखना है, ऑन द डे ऑफ द रिपोर्ट, यानी कि जिस दिन रिपोर्ट प्रेजेंटेशन था उस दिन, द स्टूडेंट्स ऑफ ब्रेडवर्ड्स क्लास अराइव्ड स्मार्टली ड्रेस्ड एंड पॉलिश्ड, यानी कि सभी बच्चे अच्छे तरह से तैयार होके आए थे. इट शोड दैट दे हैड द इम्पोर्टेंस ऑफ द इवेंट, और उनके जो एकदम तैयारी से वो आए थे तो उससे पता चल रहा था कि वो पूरी तरह से तैयार है इवेंट के लिए. दे प्लेड देयर रोल सीरियसली, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से वो काम किया. मिस जोसेफ एंड डेनहम द स्टूडेंट्स ऑफ ब्रेडवर्ड्स क्लास नॉट ओनली इन चार्ज ऑफ द इवेंट बट ऑल्सो टुक लीड फॉर अदर पार्टिसिपेंट इन ब्रेडवर्ड्स क्लास. देखो जो मिस जोसेफ एंड डेनहम थे, सो उन्होंने क्या किया कि सभी चीजों में उन्होंने अच्छी तरह से अपना रोल प्ले किया और बाकी के पार्टिसिपेंट को भी उन्होंने लीड किया. चेक द रोल प्ले इन द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम में सभी का रोल क्या है वो भी उन्होंने चेक किया. अभी देखिए यहाँ पर बच्चों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, पॉटर ठीक है, पॉटर, मिस डेयर, फर्मन, सेपियानो, मिस पेग जैक्सन एंड मिस डॉट, ईच स्पोक नॉलेजेबल एंड शोड देयर कॉन्फिडेंस. ये सारे बच्चों ने फुल कॉन्फिडेंस से बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन किया. बाय देयर स्पीच, यानी कि जो उन्होंने स्पीच दी, दे एक्सप्रेस्ड हाउ मच दे हैव लर्न्ड अबाउट डिफरेंट पीपल, उससे उन्होंने ये बताया कि किस तरह से उन्होंने अलग अलग लोग, कल्चर्स, कस्टम्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल एंड इंटरेक्यल कोऑपरेशन, इन वैल्यूज को उन्होंने समझा. सो द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, देयर अपीयरेंस, यानी कि स्टूडेंट्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस, उनका अपीयरेंस, उनका कॉन्फिडेंस एंड देयर एबिलिटी, उनकी क्षमता फॉर डिफेंस, हाईलाइटेड द हार्ड वर्क ऑफ ब्रेडवर्ड्स क्लास, यानी इस तरह से हाफ ईयरली रिपोर्ट का यहाँ पर आपने एक इन शॉर्ट में समरी लिखा है. ठीक है. सो इसको आपने 2 out of 2 मार्क्स लेने ही लेने, इस तरह से अगर आंसर लिखते हो तो. नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन. In the questioning session, Denham was expressing few students' feelings illustrated. यानी Denham ने जो कुछ feelings express किए, ठीक है, in questioning session में वो आपको illustrate करने, explain करने, answer देखिए. In the questioning session, Denham expressed comment on the requirement of subjects like PT and games. यानी कि Denham ने क्या बताया कि किस तरह से बच्चों को PT और games के lectures की जरूरत है. He expressed it as a leader of the class who didn't wish the monotonous subject like PT and complained that the class was ill-conceived and pointless. उसके बाद, though the ridiculous comments were given by Mr. Weston, he firmly continued his argument. यानी के जिस जब डेनहम ने एक्सप्रेस किया कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ पीटी और गेम्स भी चाहिए, और उस पर देखिए जो
कमेंट्स आए, रिडिकुलस कमेंट्स, यानी कि मिस्टर वेस्टन जो था तो उसने बहुत भद्दे कमेंट किए, लेकिन फिर भी वो अपना आर्गुमेंट जारी रखता है। मिस फिलिप स्टेप्ड इन एंड गिव अ डिफेंस ऑफ द प्रैक्टिस एंड डेनहैम्स पॉइंट्स, ही गॉट रिस्पेक्ट फॉर हिज आर्गुमेंट। उसके बाद मिस फिलिप ज्वाइन हो जाती है, वो भी अपना ये जो पॉइंट है वो एक्सप्लेन करने में मदद करती है। देन ही गॉट रिस्पेक्ट फॉर हिज आर्गुमेंट, उसके बाद डेनहैम को उसके जो पॉइंट है उसके लिए रिस्पेक्ट मिला। एंड ही स्टेप्ड आउट, हिज फर्मनेस and confidence made Braithwaite satisfied। और इन सारी चीजों से Braithwaite क्या हो गया, satisfied हो गया कि उसने जो काम किया है, उसका बच्चों के लिए जो काम कर रहा है, उसका कुछ तो यहाँ पर एक फल मिल गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मिस फिलिप्स इफेक्टिवली हैंडल द क्वेश्चनिंग सेशन, गिव सपोर्टिंग डिटेल्स, यानी मिस फिलिप्स ने किस तरह से हैंडल किया क्वेश्चनिंग सेशन। तो देखिए, यूफेमिया फिलिप्स वॉज अ टीचर एट ग्रीनस्लेट स्कूल, यानी कि ये जो मिस फिलिप्स है ये कौन है, टीचर है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, शी वॉज चूजन टू आंसर रैंडम क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द प्रेजेंटेशन एट द टाइम ऑफ द हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम, यानी कि उन्होंने बच्चों के सवालों के जवाब देने थे। Everyone thought, सब सोच रहे थे, her to be free and brainless, कि वो बुद्धू है, but she proved to be the coolest and best among the three teachers on the stage, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया अपने आंसर से कि वो बहुत ही अच्छी एक टीचर है। She dealt with questions put to her skillfully without embarrassing, और उसने सारे सवालों के जवाब दिए। While telling the importance of PT, she said that PT is as much exercise of the mind as it is of the body. तो पीटी का भी उन्होंने महत्व बताया। She explained to Denham the importance of a timetable in the school and its purpose for his students. By her explanation, Denham stepped out speechlessly. यानी कि मिस फिलिप्स जो टीचर है, ये आपने पहली बात ध्यान में रखनी है। और what she explained, this give supporting details, यानी कि जो उसने बोला तो वही डिटेल्स आपने लिखने हैं। अगर ये जो मैंने आंसर दिया, इसे आपने 3-4 लाइंस भी अगर अच्छे से लर्न करके लिखते हो, तब भी आपको 2 out of 2 मार्क्स मिल सकते हैं। लेट चेक क्वेश्चन नंबर 4। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इवेंट विच टुक प्लेस ऑन 15th November इन ग्रीनस्लेट स्कूल, यानी कि जो उनका प्रेजेंटेशन हुआ था, हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, उसी के बारे में आपको रिपोर्ट लिखना है। तो देखिए, आंसर है, द नोवल टू सर विथ लव इज अ चैप्टर ऑफ द हाफ ईयरली रिपोर्ट इन ग्रीनस्लेट स्कूल, यानी कि ये जो नोवल है टू सर विथ लव, ये एक्चुअली दिस इज अबाउट द हाफ ईयरली रिपोर्ट इन ग्रीनस्लेट स्कूल। ये कब हुआ था, इट वॉज ऑन 15th November। द रिपोर्ट वॉज वेरी स्पेशल टू Braithwaite बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट रिपोर्ट आफ्टर ज्वाइनिंग द स्कूल, यानी कि उसने स्कूल ज्वाइन करने के बाद ये फर्स्ट रिपोर्ट था। The student's presentation expressed his hard work and sincerity in his work. जिस तरह से बच्चों ने प्रेजेंटेशन किया था, उससे उनकी मेहनत का अंदाजा आ रहा था, Braithwaite जो टीचर थे। They played their role seriously. Miss Joseph and Denham, the students of Braithwaite's class, not only in charge of the event but also took lead for other participants in Braithwaite's class. Check the role play in that program. देखिए बच्चों, अगर ये समरी भी आप लर्न करते हो ना, तो इसमें आपने अगर जो भी लाइंस आपके ध्यान में रहती है, ठीक है, वो भी अगर आप लिखते हो आंसर में, तो दो में से आपको एक मार्क तो हम डेफिनेटली मिल जाएगा। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपने लर्न करना ही करना है, ठीक है। अगर आप समरी थीम कर लेते हो और थीम और समरी बेस्ड भी अगर आंसर्स लिखते हो, तब भी आपको 2 out of 1.5 मार्क या फिर 1 मार्क्स भी अच्छे से अचीव कर सकते हो। आगे दिया है कि जो स्टूडेंट्स के नाम है, जो हमने अर्लियर आंसर में देखा था, पॉटर, मिस डेयर, फर्मन, सेपियानो, मिस पेक, जैक्सन एंड मिस डॉड, ईच स्पोक नॉलेजेबल एंड शोड देयर कॉन्फिडेंस बाय देयर स्पीच। दे एक्सप्रेस्ड हाउ मच दे हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट पीपल, कल्चर्स, कस्टम्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल एंड इंटररिकल कोऑपरेशन। In this program, the students of Braithwaite class had taken lead and expressed their topic effortlessly. अगर ये answer भी आप learn करते हो और summer related आ जाए, या फिर आपको theme related, देखिए यहाँ पर कि half yearly report related भी अगर कोई question आता है, या फिर यहाँ पर आपको short note से related आता है, summer से related आता है, तो एक ही क्वेश्चन में, एक ही ये पूरा एक आंसर करते हो, तब भी आपने 2 out of 1 या फिर 1.5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5। The extract presents the narrator as a silent observer of the event.
देखिए कि जो नराटर है इसको एक साइलेंट ऑब्जर्वर बताया है, तो किस तरह से वापस से वही लाइंस आते हैं यहाँ पर। द नोवल टू सर विथ लव इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नोवल ऑन मिस्टर ब्रेडवर्ड्स लाइफ। ये नोवल जो टीचर थे मिस्टर ब्रेडवर्ड्स, उनकी जिंदगी की कहानी है। चैप्टर 17 शोज अस हिज क्वालिटीज, थॉट, हिज स्टूडेंट स्पीचेस। द इवेंट इज अ सब प्लॉट बिकॉज इट सपोर्ट्स द मेन प्लॉट ऑफ द नॉवल फॉर द थीम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ब्रेथवेट। यानी कि ब्रेथवेट की जिंदगी की कहानी यहाँ पर है और इससे रिलेटेड ही टू सर्व विथ लव ये एक नॉवल है। इसमें सब प्लॉट कौन सा है, दैट इज स्कूल में जो इवेंट हुआ है वो। ठीक है, इन दिस चैप्टर, इस नॉवल में ही इज अ पैसिव लिसनर, वो एक बहुत ही अच्छा श्रोता है। ही स्टूडेंट शोड द टीचिंग ऑफ ब्रेथवर्ट्स एंड देयर इंक्रीज कॉन्फिडेंस, बच्चों में बदलाव दिखाई दिया। एज एन ऑब्जर्वर ब्रेथवर्ट अंडरस्टूड द इम्पैक्ट ऑफ हिज टीचिंग ऑन द स्टूडेंट्स माइंड। और वो जो चुप बैठकर सब ऑब्जर्व कर रहे थे, उनको पता चला कि उनका जो परिणाम है, उन्होंने जो अच्छी शिक्षा बच्चों को दी थी उससे उनमें कितना चेंजेस आया था। दिस चैप्टर एक्सप्रेसेस ब्रेथवर्ट्स क्वालिटीज। देखिए इसमें क्या आया है, ब्रेथवर्ट्स की क्वालिटीज आई है, कैपेसिटी आई है, एंड हाउ ही ट्रांसफॉर्म द स्टूडेंट्स फ्रॉम नोटोरियस टू सिंसियर। यानी कि देखिए जो नटखट बच्चे थे उससे वो किस तरह से सिंसियर बन गए, ये पूरा इस चैप्टर में पता चलता है। ही फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स इन दैट स्कूल बट एट लास्ट ही अचीव सक्सेस एज अ टीचर। बहुत सारी मुश्किलों के बाद उसने एक सक्सेस वहां पर अचीव कर लिया, जो बच्चों में बदलाव हुआ उस तरह से। क्वेश्चन नंबर 6, एनालाइजिंग द चेंज इन द स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों में जो बदलाव आया, बिहेवियर इन द प्रेजेंटेशन इज द सेंट्रल थीम। तो थीम रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए आंसर आएगा, व्हेन ब्रेडवर्ट एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ टीचर एट ग्रीनस्लेट स्कूल। जब मिस्टर ब्रेडवर्ट ग्रीनस्लेट स्कूल में एज अ टीचर बन के आए, ही कंसिडर्ड हिज स्टूडेंट्स एज एरोगेंट। तब बच्चे कैसे थे, देखो एरोगेंट थे, बदमाश थे, डिसरिस्पेक्टफुल थे एंड इल मैनर्ड थे। यानी कि उनका बिहेवियर बहुत ही बुरा था अपने टीचर के प्रति। दो एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड एट फर्स्ट, पहले तो मिस्टर ब्रेडवर्ट थोड़ा सा गुस्सा हो गए, टेंशन में आ गए। ब्रेडवर्ट इवेंचुअली लर्न्स टू बी पेशेंट एंड हैंडल्ड देम टैक्टफुली। लेकिन उन्होंने दिमाग से काम किया। एट फर्स्ट स्टूडेंट्स हरास हिम वेरी बैडली बट विद द हेल्प ऑफ ब्रेडवर्ट्स हैंडलिंग टैक्टिक्स लाइक टेकिंग देम टू फील्ड ट्रिप्स, गिविंग देम ड्यू रिस्पेक्ट, बिहेविंग पेशेंटली विद देम एटसेट्रा। यानी कि फिर क्या किया, मिस्टर ब्रेडवेट के पास वो स्किल्स थे उन बच्चों को संभालने के लिए, फिर वो उनको बाहर ट्रिप के लिए लेके गए और बहुत सहन शक्ति उनमें थी, तो उन्होंने बहुत ही सहन किया। सो स्टूडेंट्स फाइनली एक्सेप्टेड ब्रेडवेट एज देयर टीचर। बहुत परेशान करने के बाद कहीं पे तो बच्चों को कुछ तो लगा होगा कि इतना परेशान करने के बाद भी ये टीचर हमें कुछ बोल नहीं रहे, तो उन्होंने फाइनली उनको एक्सेप्ट कर लिया। ड्यूरिंग हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रेजेंटेशन नराटर्स क्लास परफॉर्म वेरी वेल। और जब हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रेजेंटेशन था तो मिस्टर ब्रेडवेट्स के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा वहां पर परफॉर्मेंस किया। ब्रेडवेट्स felt terribly pleased and proud to see the confident courtesy with which Denham used the term miss and addressing each of the senior girls and the way other representative of his own class become the center of attraction of the event। यानी कि जो रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, कल्चर की रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीजें बच्चे अच्छी तरह से सीख गए थे। सो दिस इज द चेंज ऑफ बिहेवियर जो बच्चों में था, तो यहाँ पर दिखा। क्वेश्चन नंबर 7, डेनहम एंड मिस जोसेफ प्लेड अ की रोल इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल। तो इसके बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आपने शुरुआत यही करनी है कि मिस जोसेफ एंड डेनहम बोथ वर इम्पोर्टेंट ऑफिशियल फॉर द फंक्शन ऑफ हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल। ठीक है, देन रियल आंसर कहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज बोथ एड्रेस द ऑडियंस विद कॉन्फिडेंस। पूरी कॉन्फिडेंस से उन्होंने वहां पर प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। दे प्रेसिडेड द मीटिंग आफ्टर प्रिंसिपल गिव अ स्टार्ट टू द प्रोग्राम। प्रिंसिपल
के कहने के बाद उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया। डेनहम आर्ग्यूड स्ट्रॉन्गली इन क्वेश्चन आंसर सेशन ऑफ द इवेंट एंड एक्सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स इन हिज आर्गुमेंट विद द पैनल। तो जो आर्गुमेंट का सेशन वहां पे ग्रुप डिस्कशन जिसको बोलते हैं, तो वहां पर उसने बच्चों को जो चाहिए यानी कि पीटी और गेम्स के लेक्चर्स उसके बारे में अपना वहां पर ओपिनियन रखा। जोसेफ बिगिंस द हाईएस्ट क्लास प्रोसीडिंग्स बाय क्लैरिफाइंग द कॉमन थीम ऑफ देयर स्टूडेंट्स। शी ऑल्सो स्पोक ऑन डोमेस्टिक साइंस वेरी कॉन्फिडेंटली। इस तरह से ये जो आंसर है, जो ये लाइंस है, अपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8, द सीनियर स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड देयर क्लास रिपोर्ट मोर कॉन्फिडेंटली देन द जूनियर स्टूडेंट। देखिए, जो सीनियर बच्चे थे उनमें ज्यादा आत्मविश्वास आया था, तो रीजन देना है। आंसर क्या आएगा? द सीनियर स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड देयर क्लास रिपोर्ट मोर कॉन्फिडेंटली देन जूनियर स्टूडेंट्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द जूनियर स्टूडेंट्स वर शाय, बिकॉज कि जो जूनियर स्टूडेंट्स थे वो शाय यानी कि वो शर्मा रहे थे। दे वर 12 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स एंड हैड जॉइन द स्कूल प्रीवियस समर ओनली, और उन्होंने रिसेंटली स्कूल ज्वाइन किया था। दे वर फ्राइटेंड टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द एंटायर स्कूल, वो घबरा रहे थे सबके सामने आने के लिए प्रेजेंटेशन के लिए। द जूनियर स्टूडेंट्स हैड बीन न्यूली इंट्रोड्यूस डिफिकल्टीज ऑफ प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स और सीकिंग इन्फॉर्मेशन फॉर देयर ओन सेल्फ, सो देयर रिपोर्ट वॉज अ रादर शॉर्ट व्हाइल द सीनियर स्टूडेंट्स डेफिनेटली हैड अ गुड एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस टू प्रेजेंट देमसेल्व्स बिफोर द ऑडियंस। यही आपको लाइन्स आपके आंसर में लिखनी है। Question number 9, Fernman was innovative and dramatic in his presentation discussed in brief. अभी देखिए, Fernman से related अगर question आता है तो उसकी qualities आपको लिखनी है। That is, Fernman is clear, precise and dramatic. He keeps the audience spellbounded by his speech. यानी कि बहुत ही अच्छा वो speech देता था। He discussed the subject of साइकोलॉजी विथ मिस डेयर, उसने साइकोलॉजी जो है वो मिस डेयर के साथ उसने कॉन्वर्सेशन किया। सॉरी, साइकोलॉजी नहीं है, इसको आप कहेंगे फिजियोलॉजी, ठीक है, दिस इज फिजियोलॉजी। एज यूजुअल फर्नमैन हैड अ ट्रम्प कार्ड अप हिज स्लीव व्हेन कॉल्ड, ही ब्रिंग्स द हैंगिंग ह्यूमन स्केलेटन ऑन द स्टेज। और उसने क्या किया, ये जो फिजियोलॉजी का जब प्रेजेंटेशन चल रहा था उसने एक ह्यूमन स्केलेटन ही लेके आ गया। When this arrangement had been set up, there was the skeleton hanging from a hook screwed into the top of its skull gently revolving at the end of a cord. यानी कि अच्छी तरह से उसने वहां पर वो एक ह्यूमन स्केलेटन का जो ढांचा था वो लगा दिया और फिजियोलॉजी से रिलेटेड फिर उन्होंने वहां पर प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। सो ये जो सारी चीजें है, दिस ब्रॉट सम कॉमिक रिलीफ एंड द स्टूडेंट्स लाफ अप्रियसली, और इससे क्या हुआ कि सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। यानी कि उसने प्रेजेंटेशन भी किया लेकिन वो एक ड्रामेटिक नेचर भी उसमें था, तो ये सारी चीजें यहाँ पर पता चल जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, द स्टेज हैज अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। स्टेज से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपने लिखना है आंसर, द स्टेज हेल्प्स द स्टूडेंट टू शार्पन्स देयर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। यानी कि स्टेज डेयरिंग से क्या होता है कि बच्चों में वो स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। इट हेल्प्स देम टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है। इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस वो बोलना सीख जाते हैं। स्टूडेंट्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, वो खुद को एक्सप्रेस करना चालू कर देते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग भी उनमें डेवलप होना शुरुआत होता है। दिस काइंड ऑफ स्किल्स हेल्प देम इन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ देयर प्रैक्टिकल लाइफ, और इन्हीं चीजों का उन्हें उनकी रियल जिंदगी में भी, असली जिंदगी में भी फायदा होता है। दे कैन ओवरकम देयर फियर, इससे वो डर उनके मन से निकल जाता है। एंड एनेक्सिटी विथ प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स ऑन द स्टेज, यानी कि स्टेज फोबिया, जो स्टेज फियर रहता है, वो बच्चों के दिल से निकल जाता है। सो दीज आर द 10 क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 बी में सीखे। क्वेश्चन नंबर 5 सी एंड डी का भी इस तरह से मैं एक सेपरेट सेपरेट सेक्शन आपको अपलोड करके दे दूंगी। सो जल्दी ही मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।